अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज क्या बना रही हूँ। हमारे बचपन की यादें ताजे करने वाली ये रेसिपी है। तो स्कूलों के बाहर भी ये चीजें खूब मिला करती थी, तो अभी भी ये स्वीट डिशेस हर जगह पर मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं। पर क्या है ना, आजकल बहुत मिलावटें हो रही हैं हर चीजों में। तो इसके लिए कभी कभार पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि बाहर का खाने देंगे बच्चों को तो बच्चों के सेहत के लिए अच्छा होगा या नहीं, सोच के घबराते हैं। इसके लिए थोड़ा सा अभी कम हो गया है बाहर से लेकर खाना खरीदना। तो ऐसे में क्या हमारे फेवरेट चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, पर बाहर से मिलने वाली चीजों को, घर में बनने वाली चीजों को नहीं। तो आजकल तो हर रेसिपी घर में बन रही है, तो क्या इस रेसिपी को हम नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इस डिश का तो मैंने नाम बताया ही नहीं। तो ये है सूखे लाल गुलाब जामुन, जो कि बाहर से ही सूखे और अंदर से बिल्कुल रसीले होते हैं और खाने में बहुत लाजवाब होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको और एक बात बता दूं कि ये स्वीट डिश है ना, ये बहुत ही कम चीजों के साथ बन के तैयार होती है। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे एक राइस, जो भी आपके घर में अवेलेबल है उस राइस को आप ले सकते हो। यहाँ पे मेरे पास अब्बा हुजूर की राइस थे, तो वही मैंने एक कटोरी ली है। तो इसके बाद सेकेंड इंग्रीडियंट्स ले रही हूँ मैं यहाँ पर उड़द दाल को बहुत संभल कर लेना है। एक कटोरी आपने राइस लिया है तो सिर्फ दो चम्मच, खाने वाले चम्मच से सिर्फ दो चम्मच उड़द दाल लेनी है। अगर आपने ज्यादा दाल को इसमें यूज किया तो सिर्फ उड़द दाल की ही आपको स्मेल आने लगेगी। तो इसके लिए उड़द दाल को संभल कर ले। अब इनको अच्छे से दो से तीन पानी से इनको वॉश करेंगे, अच्छे से धो कर लेंगे ताकि इनका जो भी स्टार्च है वो निकल जाए। इस तरह से देखिए अच्छे से मसल कर धो कर लेना है और इनको अच्छा साफ पानी के साथ इनको भीगने रख देना है 3 से 4 घंटे, या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनको ओवरनाइट छोड़ दिया था। देखिए मैं ये आपको सुबह में दिखा रही हूँ, दाल और राइस बहुत अच्छे से भीग चुका है। अब इनको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इनको 2 बैचेस में पीस कर लूंगी। तो ये फूड कलर है रेड कलर का, मैं इसी में ऐड कर रही हूँ पीसते टाइम ही। आप चाहो तो पीसने के बाद भी ऐड कर सकते हो, पर इसको बहुत मिक्स करते रहना पड़ेगा पीसने के बाद। बस थोड़ा सा ऐड करना है कलर को, अब पीस कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाना है इनका। देखिए इस तरह से, इस तरह की पेस्ट बनाएंगे तभी आपके गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे। इसका टेक्सचर देख लीजिएगा, इसी तरह स्मूथ होना चाहिए ये। तो ये पेस्ट थोड़ी सी थीक हो गई थी, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, मैंने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया था। पर दूसरे बैचेस में मैं थोड़ा सा पानी ज्यादा ऐड करूंगी ताकि ये वाला बिल्कुल रिपेयर हो जाए उसके साथ। तो ये देखिए यहाँ पर सेम इसी में भी थोड़ा सा फूड कलर ऐड करना है, लाल कलर का फूड कलर ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। और मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल 4 चम्मच के बराबर है खाने वाले चम्मच से। और पानी भी बिल्कुल संभल कर डालना है, अगर पानी ज़्यादा हो जाए, बैटर पतला हो जाए, तो भी हमारे गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। तो देखिए मैंने पीस कर लिया है। तो देखिए इसका भी टेक्सचर, इसके कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ सी है, बिल्कुल इसी तरह से पीस कर लेना है। तो ये देखिए पहला वाला बैच थोड़ा सा थिक हो गया था, इसको अभी इसके अंदर डालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे ताकि नीचे वाला बैटर ऊपर वाले बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए और कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही बन जाए। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की रखनी है। देखिए इस तरह से ऊपर से गिराएंगे तो गिरना नहीं चाहिए, जब हम हाथ झटकेंगे तभी ये गिरना चाहिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो उस बैटर को मैंने रख दिया साइड में। पहले यहाँ पे चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए 1 कटोरी पानी लेना है और इसी कटोरी से 1 कटोरी शक्कर लेनी है। तो अब इनको हाई फ्लेम पर शक्कर पिघलने तक चलाते रहेंगे, और जैसे ही शक्कर पिघल जाती है गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इनको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी बन जाए।
तो यहाँ पर हमारी चाशनी बन चुकी है चिपचिपी सी। अब इनको गैस बंद कर देंगे और इनको रख देंगे साइड में और यहाँ पे गुलाब जामुन फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस बैटर में डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। यहाँ पे मेरी कटोरी बड़ी थी तो इसके लिए मैं 1 चम्मच ले रही हूँ। डिपेंड करता है आप कटोरी किस बर्तन से नाप ले रहे हैं, सारी चीजों का, चावल और दाल का, है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बेकिंग सोडा कितना यूज करेंगे। तो अगर आपकी आपका बाउल छोटा है तो आप आधा आधा चम्मच भी बेकिंग पाउडर ले सकते हो या फिर खाने का सोडा भी ले सकते हो। तो बेकिंग पाउडर डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए इस बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको और एक बार दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आसानी से गिरना चाहिए पकौड़े। तेल अच्छा खासा गर्म कर लेना है, इसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इसके बाद फ्राई करना है। बिल्कुल गोल शेप देते हुए इनको छोड़ना है, बहुत ही गोल बनते हैं, बहुत अच्छा शेप आता है इनका। तो देखिए माशाल्लाह कलर कितना अच्छा दिख रहा है। इनका थोड़ा सा झाग कम हो जाए तो इनको तुरंत निकालना है और गरम गरम चाशनी में डाल देना है। देखिए ऑलरेडी मैंने एक बैच इसमें डाल दिया था, चाशनी भी गरम रहनी चाहिए और ये जामुन भी जो है गरम गरम इसमें ऐड करना है और दूसरा बैच जब तक फ्राई नहीं होता तब तक इनको इसी में रहने देना है चाशनी में। तो दूसरा बैच होने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं, तो 5 से 6 मिनट इनको चाशनी में रहने देना है। इसके बाद इस तरह से चाशनी नितार नितार कर जामुन को अलग करना है और अलग रखना है और यहाँ पर इस तरह से इनको भी उलट पलट कर अच्छे से फ्राई करना है और इस तरह से पूरा तेल नितार कर इनको चाशनी में डाल देना है। देखिए लास्ट वाला बैच था मेरा, अब इनको भी 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे इसी में। चाशनी में अच्छे से डिप करना है, अच्छे से डुबो कर रखना है और इसके बाद इनको भी निकाल देंगे, 5 से 6 मिनट के बाद ही निकालना है। तो देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है, कितनी अच्छी शाइन आई है इन पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे जामुन फ्राई हो चुके हैं। अब इन पर क्या करना है, पाउडर शुगर होती है ना, अगर नहीं है पाउडर शुगर तो थोड़ी सी शक्कर को आप मिक्सी के जार में डालकर पीस कर ले सकते हो, थोड़ा सा उसका पाउडर बना लेना है और 1 से 2 चम्मच इस पर छिड़क देना है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से शेक करते हुए, ताकि जो गुलाब जामुन मिलते हैं ना बाहर से थोड़े से सफेद सफेद होती है उन पर लेयर, वो यही होती है पिसी हुई चीनी। तो और एक ब्याज पतीले में बचा हुआ है तो इनको मैं उस पतीले में डाल दूंगी ताकि उनको भी ये पाउडर शुगर लग जाए। तो उसके बाद उनको भी इसी बाउल में फिर से ट्रांसफर कर लूंगी सारे जामुन को। तो उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक जामुन को तोड़कर दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह ये कितने रसीले बने हैं, बाहर से ड्राई सूखे और अंदर से बिल्कुल रसीले बने हैं ये, बिल्कुल बाहर जैसे मिलते हैं ना उसी तरह बने हैं ये। तो देखिए उस पतीले में बचे थे उनको भी मैंने इसमें डाल दिया। अब सारे जामुन आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप इनका शेप, आप इनका कलर, इनकी शाइन। तो ऑब्वियसली इनको देख कर आपका भी मन कर रहा होगा कि इनको तुरंत ट्राई करें, तो जरूर जरूर ट्राई करना इनको, ये बहुत मजे के बनते हैं। मेरे हस्बैंड के तो ये बहुत फेवरेट हैं, वो कभी कभी खाना खाने के बाद बाहर से लेकर आते हैं, पर अब उनको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इनको ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया है और ये स्टोर हो सकते हैं 1 मंथ के लिए, 1 महीना भर आप इनको रख सकते हो एयर टाइट कंटेनर में भर कर। तो चलिए ये रसीली मीठी मीठी स्वीट डिश आपको अगर पसंद आई है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना और रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपकी भी परफेक्ट बनेगी और उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आए। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में हमें याद करें। अस्सलाम वालेकुम।